अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की लेक्चर वीडियो से मैं एमएस ऑफिस का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। पहले जो है वो मैं थ्योरी के लेक्चर्स बनाऊँगी, जिसके अंदर मैं एमएस ऑफिस में जो जो चीज़ें आती हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इनकी जो है थ्योरी के लेक्चर बनाऊँगी, जिसके अंदर एमएस वर्ड की डेफिनेशन होगी और जो इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक क्या होता है, और जो भी इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, इन सब की डिस्क्रिप्शन के लेक्चर बनाऊंगी। देन मैं आपको लैपटॉप पे सिखाऊंगी कि एमएस वर्ड पे कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। एमएस ऑफिस होता क्या है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिवेलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इट इंक्लूड्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प यूज़र क्रिएट, मैनेज, एनालाइज एंड प्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ डिजिटल कॉन्टेंट। द सूट टिपिकली इंक्लूड्स एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अमंग अदर्स। बेसिकली जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन है जो हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो ये जो है एमएस ऑफिस जो है वो लॉन्च किया था बिल गेट्स ने 19 नवंबर 1990 को। तो आगे हम पढ़ते हैं, ईच प्रोग्राम विद इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सर्व्स स्पेसिफिक पर्पसेस। किस किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर, रिपोर्ट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसके अंदर जो है वो हम अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं, जैसे कि वर्ड पे बनते हैं वो ज़्यादातर, सीवी वगैरह बना सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और जो भी हम स्कूल वगैरह में पेपर देते हैं तो वो पेपर भी एमएस वर्ड पर ही डिज़ाइन होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज फॉर डेटा मैनेजमेंट, कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, बजटिंग एंड क्रिएटिंग चार्ट्स एंड ग्राफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट बनाने के काम आती है, जैसे कि कोई भी डेटा, स्कूल का डेटा हो या कोई कॉलेज का डेटा हो या यूनिवर्सिटी, एनी टाइप ऑफ डेटा, यानी कोई भी चीज़ का डेटा हो, वो स्टोर करना हो हमें, उसको मैनेज करना हो, उसको कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ किया जाता है। और इसके जो हैं वो फार्मूलाज होते हैं 25। जब मैं बनाऊंगी लेक्चर तो वो मैं शेयर करूंगी, उस फार्मूलाज को लगा के हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम यूज फॉर क्रिएटिंग स्लाइड शो विद टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशंस एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। इट इज़ वाइडली यूज फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशंस, एजुकेशनल लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वो होता है जिसके अंदर हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, यानी हमें कोई भी बड़े इदारे में भी अपनी कोई चीज़ रिप्रेजेंट करनी है तो एक हम उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके बारे में डिटेल भी डालनी होगी तो एक प्रोफेशनल वे में हम प्रेजेंट करने के लिए उसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो वो किस पर बनती है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर। फिर आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस। इट अलाउज यूजर्स टू स्टोर, रिट्राइव एंड एनालाइज डेटा यूजिंग कस्टमाइजेबल फॉर्म, रिपोर्ट्स एंड क्वेरीज। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी जो किस लिए यूज़ होता है? डेटा को मैनेज करने के लिए, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस, और जो भी यूज़र का स्टोर कराना होता है या निकालना होता है, कोई भी एनालाइज करना होता है डेटा को या कस्टमाइजर फॉर्म में रिपोर्ट बनानी होती है, तो वो किस में बनती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो यही आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दुआ में मुझे याद रखें। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैरा।